सत श्री अकाल पंजाब इस वेले वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह। पंजाब इस वेले दे विच रुक करदे आं पंजाब दीआं खास खास खबरां दी वल। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों 13 किसान जथेबंदियां दे नाल अज चंडीगढ़ दे विच बैठक की गई, जिस दरमियान उन्होंने किसानों दीआं मुश्किलां सुनियां अते किसानां नूं इस गल दा भरोसा दवाया है कि किसान जथेबंदियां दे नाल पंजाब सरकार खड़ी है ते किसानां दे नाल किते वी धक्का नहीं होण दित्ता जाएगा। तो नाल ही उन्होंने किसान जथेबंदियों को भरोसा दवाया है कि आने वाले एक हफ्ते दे विच पंजाब विधानसभा का इजलास बुलाया जाएगा, जिस दे विच किसान जथेबंदियों की सलाह के अनुसार कोई वड्डा फैसला विधानसभा सैशन के दरमियान लिया जा सकता है। खास मीटिंग यह है भी असं जी गल मना चाहते सीएम तो अभी मना ली भी उन्हें मतलब इजलास सद के मते रद्द कर दे, फिर कह गवर्नर कहीं जावे की बन गया सहमत हो सरकार दे नाल बुला रही है इजलास। शेर तुरिया आ शेर कह लगे भी हाँ बंदे नूं शेर तेरी की सलाह है, कहिंदा हुण मेरी सलाह नूं तेरी सलाह है, असीं तां बह गए हुण तां सरकार की सलाह है भी उन्हें की फैसला सेंटर ने की फैसला लेना है पंजाब ने की फैसला लेना है असीं अणमथे समें लई बैठांगे। देखो आर्डीनेंसां ते जिहड़ी एजीटेशन उठी है इस एजीटेशन ने सारियां पार्टियां दे पैरां थल्लों मिट्टी कढ़ी है। सब तो पहलां श्रोमणी अकाली दल लोकां नूं लारे लाउंदा सी कि आर्डीनेंस किसानां दे पक्ष दे विच है, पर अजिही एजीटेशन उठी जिड्डा वड्डा सहयोग 25 दे जाम नूं मिलिया बंद नूं मिलिया तां सुखबीर बादल ने बिजली तो भी उन्होंने इस्तीफा देता तो नाता भी तोड़ लिया। अज पंजाब सरकार ये कह रही है कि कानूनी अड़चना है असी तो मता पा देंगे सानू कोई रिका नहीं, पर गवर्नर पंजाब ने वो उपर साइन नहीं करने। असी बड़ा ठोक बजा के कहा है कांग्रेस पार्टी नू कि तुसी अपने तौर पर पंजाब सरकार मता पाओ कानूनों रद्द करो, अगर गवर्नर नहीं उहदे ते साइन करदा तां साडा काम होगा ये पंजाब दे किसानां दा काम होगा और देखांगे गवर्नर नूं गवर्नर कित्थे जाऊगा। ये वो लोग हैं जिन्हां ने हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन गवर्नर का घराओ किया वै पहलां भी 84-85 दे विच, अगर गवर्नर ते टाला मार रहे हैं कि असीं पाउण नूं तैयार हाँ पावांगे पर गवर्नर ने साइन नहीं करने कोई गल नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी अपना फर्ज पूरा करे गवर्नर असीं देखांगे। उदू बाद रही बीजेपी, बीजेपी का सोशल बाइकट करन दा असीं फैसला किया, कोई वह चुनिया होया नुमाइंदा कोई वह पार्टी नुमाइंदा ना उन्हें पिंडां च बन देवांगे उन्होंने घर तक घराओ करन तक भी असीं जावांगे। जिहड़ी एजीटेशन आ साडी 1 तरीक तो पूरे पंजाब दे विच कल्ली पंजाब च नहीं रहनी, इन्हें हिंदुस्तान तक जाना तो वह जारी रहेगी। अणमिथे समय लई जिहड़ियां तैयारियां वो मुकम्मल पिंडां दे विच राशन इकट्ठा हो रहा है सारे प्रबंध उहदे हो रहे हैं, 1 तरीक तो पूरा जिहड़ा जाम है रेलवे ते लग जाणा। रुक करदे अगली खबर दे वल। किसान जथेबंदियों के नाल पंजाबी कलाकारां दी अज चंडीगढ़ दे विच बैठक हुई है, जिथे इस मौके दे उत्ते पंजाबी कलाकारां दे समेत 13 किसान जथेबंदियों के आगू मौजूद रहे। कलाकारां दे विच दीप सिद्धू, लखा सिधाणा दे समेत सिप्पी गिल अते होर कई पंजाबी गायक मौजूद रहे, जिन्हां दे वल्लों किसान जथेबंदियों के नाल मिलकर अगली रणनीति तैयार की गई है। दसिए कि हुण जल्द ही किसान संघर्ष के रूप के ट्रेन रोकिया जाएगियां तो इसका आगाज़ 1 तरीक तो हो सकता है। मकसद ही यह सीगा भी असी भारतीय किसान जी यूनियन उन्होंने बैठ के असी उन्होंने तजर्बा है ये को लंबे समय तो लड़ रहे हैं तो असी उन्होंने बस यही गल की भी असी किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आर्टिस्ट भाईचारे वालों असी आए हैं थोड़े को और असी जाके सारे भरावान गल भी करा कि यार सानू भी उन्होंने रल के चलना चाहिए और डेफिनेटली इस गल में फॉलोअप करेंगे। पर जिमें तुम दस रहे थे कि भी जी लड़ाई हैगी शांतिपूर्वक लड़ी जा सकती है, हाले मैं लगता कि सानू उन चीज़ों की लोड़ नहीं हैगी ज़्यादा गर्मी की तरीके दे नाल, क्योंकि जे मतलब ये बिल लागू किया तो जो पूंजीपति उन्होंने वालों किया गया ताकि भी वो पैसा कमा सकन है ना, तो जे वो पैसे के पिछे आ रहे हैं तो सानू भी पता कि उन्होंने कि बिजनेस साढ़े इतने पंजाब चल रहे हैं असं उन्होंने बाइकआउट कर दिए उन्होंने फाइनैशियली जो लॉस होगा उन्होंने अपने आप पता लग जूगा कि पंजाब की जी जनता आ उन्होंने थोड़ा बिल पसंद नहीं। साढ़े जोश है नौजवान साढ़े पिछे ने तुम आपकी रणनीति बना के सानू दो असी थोड़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के चलांगे। ये असी एज एन आपके भरावां वल्लों किसान यूनियन आपका समर्थन दिता जी। कमेटी बनाने की अंदर गल हुई किन्ने मैंबरी कमेटी बना रहे किन्ने कलाकार होंगे तो किन्ने किसान जत्थे बंदे लगे? नहीं मैं तो देखो कमेटी के हक च है नहीं, क्योंकि जे मैं अज इतने मीटिंग चाह के कह दवा भी मैं कमेटी बना के जाऊँगा मेरी होर इंडस्ट्री साढ़े सीनियर कलाकार ने ना जिन्हों का साढ़े तो तजर्बा वड्डा है
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 'ਚ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਸਪਟੈਂਬਰ 2019, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ, 7.5 ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀ MSP ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 117 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ
जिन्हां नूं किसे आने बहाने नाल स्पीकर साहब ने और कांग्रेस की वजारत ने सानू उत्थे दाखल नहीं होण दिता। और असी ये उस दिन भी तुसी मेरी वीडियोज़ कढ लो, मैं कहा सीगा कि जिन्ने भी अंदर बैठे है ये फिक्सड मैच चल रहा है, ये अंदर कोई काम की गल नहीं हो रही। और अज वो पर्दा फाश कितों हो गया, तुसी वेखो आ 28 तरीक का सैशन है थोड़े चेते होना, जिदे च आ रेजोल्यूशन ऑफिशियल रेजोल्यूशन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मूव किया सी किसानी दे वास्ते कि ये तिने बिल जेड़े पार्लियामेंट च आने सी केंद्र सरकार वालों वो वापस ले जान और MSP नू यकीनी बनाया जावे। इहदे च बोले कौन कौन, मैं जिहड़ी फिक्सड मैच की उदन भी गल कीती सी, कुलतार सिंह सदवा आम आदमी पार्टी, ये होर MLA जिवें कंवर संधु, कुलजीत नागरा, सिमरजीत बैंस, ये सारे उस मुद्दे ते बोले। मगर उस रेजोल्यूशन का होया कि वेखो जिहड़ा रेजोल्यूशन 28 तरीक नू पास हो गया, वह रेजोल्यूशन पास किस लिए होया सी कि वह रेजोल्यूशन सेंटर की सरकार नू भेजा जावे, वह लोकसभा नू भेजा जावे, वह राज्यसभा नू भेजा जावे। उधर खेती बिलों के खिलाफ किसान लगातार प्रोटेस्ट के उत्ते ने, किसानों वालों धरने दिए जा रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों दियां पटड़ियों के उत्ते किसान रातां कट्टण दे लई मजबूर ने। इस मौके किसानों के मनां दे विच गुस्सा भी है ते किसानों के वालों अपील भी की जा रही है कि इन ऑर्डीनेंसा नूं वापस लिया जाए, क्योंकि जिहड़ा अन्नदाता सारे जगत नूं अन्न दिंदा है वह हुण पत्थरां दे उत्ते सौण दे लई मजबूर है। दस दिए इस मौके उत्ते किसान जथेबंदियां दा अज 6वें दिन दा धरना लगातार जारी है ते किसान जथेबंदियां अपनी गल दे उत्ते अड़ियां होईयां ने ते उन्हां दा कहना कि जदों तक ऑर्डीनेंस वापस नहीं लै जांदे उद तक उन्हां दे वल्लों इन्हां रेल रोकू अंदोलन नूं मोर्चे दे विच तब्दील कर दिता जाएगा। जे भारत वर्ष के पूरे लोग, भारत दीआं सारीआं ट्रेड जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, नौजवानां दीआं जथेबंदियां जे इस अंदोलन नूं देश बचाउण लई, देश दी खेती ते पंजाब दी खेती बचाउण लई मैदान विच कुद पईआं ते असीं सफल होवांगे। मोदी छोटी चीज़ आ, मोदी नूं हरा लांगे असीं। मोदी हरिया होया एक देश दा प्रधानमंत्री आ, लोकतंत्र विच लोक वड्डे हुंदे आ, लोक जित्तणगे ते मोदी हारूगा। सो ये अंदोलन नूं सानूं आस आ भी देश दे वासी साडा साथ देणगे। अज दी जिहड़ी मीटिंग होई है, अज दी मीटिंग ही इस इशू दे उत्ते सीगी कि सडनली सानू मतलब स्टेट गवर्नमेंट वालों एक मैसेज आया सीगा कि तुहाडे नाल किसान जथेबंदियां नाल कोई मीटिंग करनी चाहुंदी सरकार, उहदे चों असीं इह मीटिंग सद्दी सीगी। और इस मीटिंग ने कुल मिला के जिहड़ा फैसला लिया है वह ये है कि सरकार दे उत्ते असीं इस चीज़ का प्रैशर रखना है बना के कि साडा चाहे कुछ भी होवे, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ पंजाब दा सवारना चाहुंदी है तो वह फिर जिहड़ा विधानसभा का स्पैशल अजलास सदे और उहदे विच इहनूं मतलब इन्हां आर्डीनेंसां दा जिहड़ा कानून बन गया है इन्हां नूं रद्द करे और नवा आपदे वल्लों इहदा फैसला लैके आवे। की लैके असीं सियासी पार्टी नाल किसे नाल मीटिंग नहीं करन चले, असीं मीटिंग करन चले हाँ तो पंजाब गवर्नमेंट नाल मीटिंग करन चले हाँ, CM नाल मीटिंग करन चले हाँ। इह गल दा भुलेखा मतलब कढो मन दे विचों, ये मीटिंग किसी पोलीटल पार्टी नाल नहीं है, एक गवर्नमेंट नाल मीटिंग है, गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही है। असी एक ऐसा माहौल बनाता, एक मिनट जी, असी एक ऐसा माहौल बनाता जिदे विच पंजाब की अकाली पार्टी जिहड़ी कहिंदी सी असी पंजाब की पार्टी हैं, असी पंजाब के किसानों की पार्टी हैं, असी एक ऐसा माहौल बनाता पंजाब के किसानों ने कि उन्होंने मजबूरन इखलाकी तौर पर भी पोलीटिकली भी उन्होंने फेस करना पाया साडे गुस्से नूं ते उन्हां नूं वापस आना पिया। हाँ, असी 31 जथेबंदियों ने जिहड़ा फैसला लिया पूर्ण तौर पर सहमत हाँ। जिहड़ा कैप्टन साहब ने कल कहा बई ये कोर्ट जावांगे जां मैं विधानसभा च मता नहीं पा सकदा, क्यों नहीं पा सकदा, जब नहर का मता पाया गया ये मता क्यों नहीं पै सकदा, असी जिहड़ियां जथेबंदियां ने अज पूरा जोर लावांगियां भी ये विधानसभा च मता पाया जाए। दूजा असी राम पंचायतों भी कह दिता उत्थे मते आ रहे हैं तड़ाताड़। तीजा असी भाजपा का विरोध भी असी जिहड़ा पिंडां दे विच कर रहे हैं पूर्ण तौर पर, असी जिहड़ियां पिछे भी धरने लाए आ 25 तरीक नूं कोई असी सियासी आगू भावें किसी भी पार्टी का असी जथेबंदी नहीं बोलन दिता, ना ही असी गांह नूं कोई सियासी आगू असी आपदी जिहड़ी आ साडी स्टेज ते असी बोलन देवांगे।
उधर चंडीगढ़ के भाजपा के वलों ट्रैक्टर रैली की गई है, जिथे भाजपा की ट्रैक्टर रैली के इस गल के लोगों संबोधन किया गया। आने वाले 15 दिन के लोगों के नाल मीटिंग करने की गल कही गई है। उन्होंने कहना है कि किसान बिल किसान के हित के किवें ने इस गल की जानकारी हुण भाजपा आगुआ के वलों दी जाएगी। जवाब देता तुसी उन्हां दी भावना तां समझदे कम से कम। पहले से भी बटाई पर खेती का काम हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट की खेती से निश्चित रूप से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। राजकुमार जी तुसी ओह गल नहीं आ रहे हैगे कि जदों किसान कल्ला डीसी तक पहुंच कर सकदा पर ओह तां बेचारा किसान पटवारी तक नहीं कर पाउंदा हैगा, तुसी डीसी दी ओदू बाद ओह कोर्ट नहीं जा सकदा हैगा। किसी भी विधेयक को कानून को जब लाया जाता है तो उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं जिन पर सरकार विचार करती है कि भविष्य में कभी किसानों को कोई दिक्कत ना आए, और कोई डिस्प्यूट का मामला हो तो सब डिविजनल ऑफिस एसडीएम के यहाँ जाकर उसका सुलझा जाए, उस मामले को आवश्यकता पड़ने पे पंच भी उसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देश के किसानों को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है, और ये जो बिल आए हैं ये किसानों की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम है। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल इना ही, फिर हाजिर होवांगे नवीआं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक लई मैनूं दे इजाज़त, धन्नवाद।